हेलो गाइस, वेलकम टू डेकोर। आज हम रेडमी 9C की अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि एक एंट्री लेवल की डिवाइस है। काफ़ी और डिवाइस है पाकिस्तान में, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। मेरे पास जो ये वेरिएंट है, ये है 3GB 64GB रोम के साथ, और ये मिडनाइट ग्रे में, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर है इसका। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिवाइस को अनबॉक्स करते हैं। सो दिस इज़ रेडमी 9C, ट्रिपल कैमरा सेटअप है बैक पे, और इसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट ब्लैक की लुक दे रहा है, और लाइनिंग है बैक पे, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो भी इस डिवाइस की बैक पे है, और इसकी जो प्लास्टिक बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी जो इसकी है वो काफ़ी अच्छी है, जो इसके कंपैरिजन में आपको इस प्राइस रेंज में डिवाइसेस मिलेंगी उनमें जो ये डिवाइस रेडमी की डिवाइसेस हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ओवरऑल भी, तो ये डिवाइस भी काफ़ी अच्छी बिल्ड है। फर्दर इन द बॉक्स हमारे पास देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, इसको निकाल के रख लेते हैं डिवाइस की सिम सिचुएशन चेक करने के लिए। और यहाँ पे वारंटी कार्ड और इसके जो मैनुअल यूज़र गाइड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और मज़ीद जो है बॉक्स में आपको मिल जाती है पावर ब्रेक, जो कि स्टैंडर्ड 10 वॉट का चार्जर है इस डिवाइस के साथ, तो फास्ट चार्जिंग तो इस डिवाइस के साथ आपको नहीं मिल रही। और जो कनेक्टर है इसके साथ वो भी मेरा ख्याल है माइक्रो USB है, तो टाइप सी भी इस डिवाइस के साथ नहीं है, जो कि एक मेरा ख्याल है बमर है इस डिवाइस के साथ। टाइप सी अगर होती तो अच्छा होता। खैर, दैट्स इट। इसके बॉक्स में जो है आपको फ्री हैंड्स फ्री इस डिवाइस के साथ नहीं मिल रहे, जो कि एंट्री लेवल डिवाइसेस जितनी भी हैं उन सबके साथ होते हैं। खैर, अब चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, और डिवाइस की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है बैक पे। यहाँ नीचे वाली साइड पे रेडमी की ब्रांडिंग है, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सटल सी लाइनिंग है और काफ़ी अच्छी लग रही है। इस साइड पे जो है पावर बटन है, और उसके साथ वॉल्यूम कीज़ हैं, और 13 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है इस डिवाइस में। लेकिन कैमरा बम जो है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल माइनर सा है, बहुत बड़ा कैमरा बम इस डिवाइस में नहीं है। टॉप जो इस डिवाइस का है वो काफ़ी फ्लैट लुक दी हुई है, और इसका हेडफोन जैक जो है वो टॉप पे है। डिवाइस की साइड पे सिम ट्रे है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 17,000 के प्राइस टैग में ये डिवाइस पाकिस्तान में आ रही है, और अपनी प्राइस के हिसाब से इस डिवाइस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। और सिम सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है आपके पास फुल ऑप्शंस होंगी, तो आप 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड इस डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं, जो एंट्री लेवल के ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेज में फुल ऑप्शंस मिलती हैं। और बाकी ये जो साइड है इसकी बिल्कुल खाली है सिम ट्रे के अलावा। और डिवाइस के नीचे वाली साइड की अगर हम बात करें तो ये भी फ्लैट डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, और उसके साथ जो स्पीकर ग्रिल है और जो माइक्रो USB का कनेक्टर है वो डिवाइस का इस साइड पे है। तो अब मैं डिवाइस को बूट अप कर लेता हूँ जल्दी से, और फिंगरप्रिंट वगैरह सेटअप कर लेता हूँ, और मिलते हैं डिवाइस के सेटअप के बाद। तो डिवाइस हमारी सेटअप हो गई है, और फिंगरप्रिंट जो है इसका बैक पे वो भी मैं रजिस्टर कर चुका हूँ। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो वो नॉच स्टाइल में दिया हुआ है टॉप पे सेंटर में, और इस डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी एक्यूरेट है, और काफ़ी फास्ट भी आप देख सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट वाली साइड से आपको ये डिवाइस डिसअपॉइंट नहीं करेगी, काफ़ी फास्ट स्पीड है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। और अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसके जो बेजल्स हैं वो मुझे ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं, तो उनको देखने के लिए इस डिवाइस का वॉलपेपर किसी लाइट कलर में स्विच कर लेते हैं पहले, ताकि हम इसकी जो बॉटम चिन है उसको भी ज़रा क्लियरली देख सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस का जो डिस्प्ले है उसके साइड बेजल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो नीचे चिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 720p का डिस्प्ले है इस डिवाइस में, 6.5 inches इसका डिस्प्ले साइज़ है। और इसके फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो वो नॉच स्टाइल में ये टॉप पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल 5 MP का कैमरा है, और ये इस प्राइस रेंज में काफ़ी कम है, ये ज़्यादा भी हो सकता था। स्पीकर ग्रिल जो है वो भी टॉप पे है कैमरा के साथ, और व्यूइंग एंगल जो इस डिवाइस के हैं वो तो मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन जो बेजल्स हैं इस डिवाइस में वो बहुत ज़्यादा रखे गए हैं। और ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो वो भी ठीक है इस डिवाइस की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से जस्टिफाई करती है। तो स्पेक्स की अगर हम बात करें इस डिवाइस के, तो इसमें जो प्रोसेसर है G35 वो काफ़ी वीक प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर तो नहीं है, लेकिन मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए इस डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं। 5000 mAh की इसकी अंदर बैटरी है, लेकिन इसके साथ जो चार्जिंग है 10 वॉट की वो अराउंड 2.5 से 3 घंटे आपको लगाएगी इस बैटरी को फुल चार्ज करने में। अभी कैमरा क्वालिटी भी इस डिवाइस की चेक करते हैं, लेकिन ओनली थिंग जो अभी तक मुझे इस डिवाइस की इंप्रेस कर सकी है वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बाकी इसके स्पेक्स इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी लो एंड पे हैं, क्योंकि अराउंड इसी प्राइस रेंज में आपको रियलमी नार्जो 30A जो डिवाइस है वो मिल रही है, और उसका प्रोसेसर इस डिवाइस से काफ़ी अच्छा है। लुक वाइज या बिल्ड क्वालिटी इस डिवाइस की अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देख रहे हैं तो आप उस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। मेन कैमरा की अगर हम बात करें तो 13 MP का मेन सेंसर है इस डिवाइस में, और बहुत शार्प आउटपुट तो ये नहीं देगा, लेकिन एक्सेप्टेबल रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं।
बाकी अगर हम कैमरा ऐप की बात करें तो इसका इंटरफेस वही है जो यूजुअल रेडमी डिवाइसेस में होता है। आपके पास यहाँ पे प्रो मोड का ऑप्शन भी है, इसके थ्रू भी आप सेटिंग्स को मैनिपुलेट करके पिक्चर ले सकते हैं। एक शॉट इसका भी ले लेते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इसकी सेटिंग्स की, तो आपके पास वही सारी ऑप्शंस हैं जो रेडमी की डिवाइसेस में होती हैं। आप फ्रेम साइज़ चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम वीडियो ऑप्शंस की बात करें तो ये डिवाइस आपको 720p और 1080p में 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग देगी, तो 60fps इस डिवाइस में नहीं है। और बाकी इसमें मैक्रो का ऑप्शन भी है, उसको भी हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है वो मरहला ट्रिपल कैमरा सेटअप या नंबर ऑफ़ कैमराज को पूरा करने के लिए दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं है। मैन कैमरा इसका ठीक है, लेकिन जो इसका मैक्रो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास तो नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस डिवाइस के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक अच्छी सॉलिड बिल्ड डिवाइस, अच्छी लुक के साथ कोई डिवाइस इस प्राइस रेंज में ढूंढ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हैं। आप अगर हैवी यूज़र नहीं हैं, आप सिर्फ मल्टीमीडिया यूट्यूब वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो आप इस डिवाइस को ले सकते हैं। और अगर आप रात को डिवाइस को वैसे ही चार्ज लगा देते हैं, तो इसके लिए वैसे भी फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें इस डिवाइस में लैग कर रही हैं, जैसे फास्ट चार्जिंग है, और कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है इस डिवाइस की, लेकिन डिवाइस स्मूथ है, अच्छी परफॉर्म करेगी। इसका 3GB की रैम है इस डिवाइस में, और 64GB रोम है, प्लस कार्ड भी आप इस डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लाइट यूज़र हैं, बहुत हैवी यूज़र नहीं हैं। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो एंड होती है। इट्स मी साइनिंग आउट।